गेट टुगेदर चैनल पे आप सबका स्वागत है। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने के लिए हम सबको बहुत समय लाइन में बिताना पड़ता है। आज मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे घर में बैठ के इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करेंगे, उसके साथ 1% एक्स्ट्रा रिवेट भी लेंगे। मैं यहाँ पर एक एक करके वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और CESC का बिलिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। हालांकि इंडिया के सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही बिलिंग प्रोसेस एक ही होता है, उसका पेमेंट मेथड एक ही होता है, आप दोनों देखने के बाद अपने आप वो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल ओपन करके WBSEDCL टाइप करके सर्च करने से वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वेबसाइट खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट खोलेंगे। अब देख सकते हैं राइट साइड पे ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पेज जो खोलेगा वो वहां देखिए लिखा है ई पेमेंट फॉर रजिस्टर्ड पोस्टपेड कंज्यूमर्स, और उसके राइट में लिखा है ई पेमेंट फॉर रजिस्टर्ड प्रीपेड कंज्यूमर्स। हम पोस्टपेड पे क्लिक करेंगे। अब न्यू यूजर है इसलिए न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पर कंज्यूमर आईडी जो होता है वो आप अपना बिल में देख सकते हैं लिखा है। कंज्यूमर आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे जो कि 9 डिजिट का होगा, उसके बाद कंफर्म करेंगे और फिर इंस्टॉलेशन नंबर भी टाइप करेंगे जो कि आपके बिल में कंज्यूमर आईडी के नीचे ही लिखा होगा, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन नंबर टाइप करने के बाद कंफर्म करेंगे। अब मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देके सेंड OTP करूँगा, इससे मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा और मेरा मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वह यहाँ पर टाइप करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मेरा नाम, ईमेल और पासवर्ड देके कॉन्फर्म करेंगे तो मेरा अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और मेरा जो यूजर आईडी है और मेरा कंज्यूमर आईडी है, यानी कि आप जब लॉगिन करेंगे तो यूजर आईडी में आप अपना कंज्यूमर आईडी देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे यूजर में मेरा कंज्यूमर आईडी देके पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो चुका है, यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखा रहा है। अब मैं पे बिल में जाएंगे। अब पे बिल में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर 3 मंथ का जो कि बिल अमाउंट है वो स्लाइड वाइज दिखा रहा है। मैं 1 महीने के लिए लूँगा इसलिए 1 महीने सिलेक्ट करके नेक्स्ट रहेंगे। आप चाहे तो आप 3 महीने एक साथ सिलेक्ट करके टोटल बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बिल डेस्क जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो पेटीएम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री सिलेक्ट करके कॉन्फर्म करेंगे। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 1% रिबेट भी मिलेगा जो कि आपकी बिल के अमाउंट से बहुत कम होगा। और ओके करने के बाद पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ मैं अपना कार्ड सिलेक्ट करके कार्ड का डिटेल्स भरके मेक पेमेंट करेंगे। जो CVV लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं आपका कार्ड के पीछे 3 फिगर का एक डिजिट है, वही CVV है। मेक पेमेंट करने के बाद मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक पे है वहाँ पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा जो कि यहाँ पर देना पड़ेगा। मैं अपना वन टाइम पासवर्ड देकर मेक पेमेंट करूँगा तो मेरा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। देखिए मेरा पेमेंट आई प्रोसेस में है और मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है। अब यहाँ से पेमेंट रिसीट भी ले सकते हैं। ये मेरा पेमेंट रिसीट है,
जो मैं सेव कर चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल कैसे दिखाएगा। एक कंज्यूमशन हिस्ट्री है कि इस महीने कितना कितना कंज्यूम हुआ है वो यहाँ पर लिखा होगा, और मेरा ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं अभी जो पेमेंट किया हो उसका यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर और रिसीट लिखा हुआ है। यहाँ से भी हम बाद में भी पे कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सीएससी में कैसे पेमेंट होता है। इसके लिए हमें यहाँ पर लॉगआउट करना पड़ेगा। अब चलते हैं सीएससी में पेमेंट करने का टाइप देखने। तो यहाँ पर सीएससी लेके सर्च करने से ही आपका सीएससी का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर cesc.co.in खुल गया है, हम वेबसाइट ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए राइट साइड पे क्विक लिंक्स में देखिए, क्विक बिल पे, व्यू, प्रिंट बिल, एयर कंडीशन लोड एप्लीकेशन, और भी बहुत कुछ है, कंजम्पशन डैशबोर्ड, लोड, ई बिल रजिस्ट्रेशन, नेम चेंज, अनाउंसमेंट, या फिर आप थेफ्ट रिपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम क्विक बिल में जाएंगे, क्लिक करने से यहाँ पर क्विक बिल का जो पेज है वो खुल जाएगा। देखिए एलटी कंज्यूमर के लिए मंथली बिल, एडवांस पेमेंट, बर्न मीटर, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम जो मंथली बिल है वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कंज्यूमर आईडी मांग रहा है, जो कि राइट साइड पर आप देख सकते हैं, जो एक बिल का फोटो है वहाँ पर एक सर्कल से दिखा गया है, ये कंज्यूमर आईडी है। आपके 11 डिजिट जो कंज्यूमर आईडी होता है सीएससी के लिए वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा वर्ड है वो नीचे टाइप करके प्रोसेस करेंगे। देखिए प्रोसेस हो गया है और मेरा यहाँ पर कस्टमर का जो डिटेल्स है वो दिखा रहा है, और नीचे दिखा रहा है एज पर आवर रिकॉर्ड्स द बिल फॉर जून 2018 अकाउंट हैज सिंस बीन पेड ऑन 25th ऑफ जुलाई 18। इसका मतलब है कि मेरा इस महीने का जो बिल है वो यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। अगर यहाँ पर पेमेंट नहीं होता तो बिलिंग अकाउंट का नीचे आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, उसके बाद प्रोसेस का ऑप्शन आता, आप वहाँ पर क्लिक करने से प्रोसेस करने से पेमेंट का जो सेक्शन है वो खुल जाता, और पहले जो आपने देखा है WBSEDCL का एक ही तरह से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप ट्राई करेंगे घर पर तो अच्छा होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।